नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। प्रीतम सिंह, रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम देहरादून। आज आपसे हम एक वार्तालाप करेंगे जिसका विषय है सूर्य की किरणें तथा पराबैंगनी जो हमारे को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसकी क्या क्या सावधानियां इस्तेमाल करें। आप सभी को पता है कि सूर्य की किरणें, निकलने वाली किरणों से हम सभी लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होते हैं। इसके फायदे और नुकसानदायक प्रभावों से को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अत्यधिक प्रभावों के जोखिम को समझना होगा और उसके द्वारा जो अपनी जो रक्षा है उसके लिए सावधानियों के लिए हमें क्या क्या कोशिश करनी चाहिए, वो हम इस छोटे से प्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे मुखातिब होंगे। इसका जो मेन टॉपिक होगा वो है दैट इज हेल्थ कंसर्न बाय द यूवी रेडिएशन। तो अब हम अपना प्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे ये बात शुरू करते हैं। धन्यवाद। Growing health hazards of ultraviolet UV radiation and protection measures. अब आप देख रहे हैं electromagnetic spectrum। अगर हम देखें तो frequency जो हमारे पास जितने भी सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वो तरंगों के रूप में पहुंचती हैं, उनको हम देखा जाए तो 7 तरीके से 7 ग्रुपों में हम बांट सकते हैं। जैसे रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, विजन रेज हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं। ये अपनी वेवलेंथ के हिसाब से और अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे को अलग अलग रूप में अलग एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी जो है वो उस सारे ग्रुप को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से ही इस सारे समूह को जानते हैं। जैसे पहले देखा जाए तो रेडियो वेव्स, जिसकी जो वेव्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस समय हैं, और सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स जो हैं इसकी वेव्स की लंबाई आप देखें मीटर्स में है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं इसकी जो है फिर मीटर, इसके बाद सेंटीमीटर्स में हो जाती है, सेंटीमीटर के बाद 0.1 सेंटीमीटर हो जाती है, फिर नैनोमीटर्स में आ जाती है, नैनोमीटर से और ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ये फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है और इसका प्रभाव जो है हमारे शरीर पर अलग अलग रूप में पड़ने लग जाता है। अब आप देखें कि रेडियो वेव्स जितनी भी हैं ये मीटर्स के रूप में, और इसका रेडियो वेव्स का जो है जितना भी एप्लीकेशंस होती है ये कम्युनिकेशंस के लिए होती है। सिमिलरली आप देखें जैसे इसकी वेवलेंथ कम हुई उसका जो है एप्लीकेशन डिफरेंट हो गई, और ये लाइट के रूप में, और उसके बाद जैसे ये एक विजन स्पेक्ट्रम के रूप में जैसे कन्वर्ट होती है वो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम दैट इज 1010 नैनोमीटर के करीब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप ये वेवलेंथ होती है, अब आप वेवलेंथ के हिसाब से जो कि इनवर्सिबल टू फ्रीक्वेंसी होती है, इट मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UVR दैट कवर्स ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइंग बिटवीन
दी वायलेट एंड ऑफ द विजिबल लाइट एंड एक्सरे। आप देखें ना, आपने जैसे विजिबल पोर्शन जो है जिसमें आप स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, सात रंगों का स्पेक्ट्रा है, उसके इमीडिएट बाद जो है जो हमको फिर दिखाई नहीं देता, हमारी जो आंखों की जो रेंज है उससे ये बाहर निकल जाता है, और वो ये जो पोर्शन है ये एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की ग्रुप है, वो हमारे को अलग रूप से प्रभावित करता है और उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। अब उसी चीज़ को मैं सात ग्रुप अलग उसमें ले रहा हूँ, रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड वेव्स, फिर विजिबल लाइट है, फिर अल्ट्रा वायलेट है, फिर एक्सरे है, फिर गामा रेज है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे सेंटर में आप देख रहे हैं ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, और इसकी जो वेवलेंथ है ये टोटल 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक है। 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है इसकी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे सबसे कम है, और उसके बाद 400 नैनोमीटर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होने के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जो ऊपर से आप देखें इंफ्रारेड का रेड पोर्शन और सबसे नीचे अल्ट्रा ये जो वायलेट का जो है 400 नैनोमीटर का जो है, इसकी जो नीचे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को कवर करेंगे वो हमें दिखाई नहीं देती, और वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें अल्ट्रा वायलेट रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो नटशेल में कहने का मतलब ये है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं, इसका जो रीजन है, इसका रीजन जो है वो इंफ्रारेड और विजिबल लाइट के इमीडिएट बाद में शुरू होता है, और वायलेट जो है वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट स्टार्ट होता है, और वायलेट तक तो हमें दिखाई देता है, अल्ट्रा वायलेट हमारी विजन की रेंज से बाहर निकल जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ जाए। इसे और ज़्यादा क्लियर होने के लिए अब मैं थोड़ी सी एक और इसके थ्रू आपको शायद ज़्यादा क्लियर होगा। जो इंफ्रारेड है उसमें जो वेवलेंथ है दैट इज 700 नैनोमीटर, और 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर को हमारा आंखें देख पाती हैं, जो कि विजिबल रेंज में है। जब इससे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, जब और ज़्यादा इसकी वेवलेंथ कम होती है 400 से नीचे, तो वो हमारी आंखों की रेंज से बाहर निकल जाता है, देखने की रेंज से बाहर निकल जाता है, और वो 400 नैनोमीटर से नीचे 200 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है वो जो रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट कहलाता है। इसका मतलब ये रेंज हमको जो है अलग अलग रूप में इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालती है। नाउ UVA द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दिस कैन पेनिट्रेट द मिडल लेयर ऑफ द स्किन दैट इज नोन एज डर्मिस। UVB जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ है उससे UVA से, और वो जो है हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करता है जो कि आउटर लेयर ऑफ द स्किन दैट इज एपिडर्मिस, और UVC ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ये ब्लॉक कर दी जाती है एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेरिक रेंज में ओजोन की लेयर से। ये एक्सेसिव एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन इज ए मेजर फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर अलोंग विद other type of diseases, that is why we have to take some precautionary measures for our own safeguard। मैं इसको थोड़ा सा और हमारी आंखों के ऊपर इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। अब विजिबल लाइट को अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के कारण हमारी आंखों को बड़ी सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है। ये आप देखें विजिबल का जो है 400 एंड अबव जो वेवलेंथ है वो हमारी आंखों के कॉर्निया को भी इफेक्ट करती है और नीचे रेटिना को भी इफेक्ट करती है। इसमें हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इसका इफेक्ट अगर हम ज़्यादा देर तक एक्सपोजर सूर्य के सामने रहेंगे तो रेटिना
धीरे धीरे करके ये इसमें इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि ये एक लिमिट के बाद दिखाई देना तक बंद हो जाता है, रेटिना बर्न हो जाता है इससे। कॉर्निया के ऊपर इसका अलग प्रभाव पड़ता है। अब यूवी ए जो है, यूवी ए का आप देखेंगे मेन इफेक्ट जो है ये लेंस के ऊपर पड़ता है, पार्शली ये रेटिना के ऊपर पड़ता है, कॉर्निया के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। यूवी बी जो रीजन है जिसकी वेवलेंथ जो है 280 to 320 नैनोमीटर्स तक की है, ये सबसे ज़्यादा हमारे कॉर्निया को ही इफेक्ट करता है, ये नीचे रेटिना तक नहीं पहुंच पाता। इट मीन्स UVA दैट हर्ट्स द सेंट्रल विजन कैन डैमेज द मैकुला पार्ट ऑफ रेटिना एट द बैक ऑफ अवर आई, ओके। एंड एज फार एज UVB इज कंसर्न दैट डैमेज द कॉर्निया एंड लेंस मोर हार्मफुल देन UVA। इसके अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो हमारी जो अर्थ है इट इज़ कवर्ड बाय 5 लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आउटर स्पेस आ जाती है। 15 किलोमीटर तक जो है आप अर्थ से देखेंगे बिल्कुल एक क्लियर रीजन आपको नज़र आ रहा है। 15 किलोमीटर से ऊपर जो है ये ओजोन लेयर जो सबसे ज़्यादा यूवी रेडिएशन को हमारे तक पहुंचने के लिए इफ़ेक्ट करती है, ये है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है इसमें डिफरेंट टाइप के और भी केमिकल्स इफेक्ट केमिकल इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन है हमारा, व्हीकुलर पोल्यूशन है जो IC इंटरनल कंबस्टन इंजन से जो पोल्यूशन नाइट्रोजन की शेप में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की शेप में जो अपर रीजन स्ट्रेटोस्फीयर में जो चला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे मिलकर के ओजोन ये एक अलग ही प्रभाव डालते हैं जो कि हमारे तक रेडिएशन को पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इन्हीं चीज़ों से होता है। और उसके ऊपर जो हाइट है दैट इज़ नोन एज मेसो आइनोस्फीयर, इसमें भी क्लाउडिंग है और इसका जो ओजोन लेयर का कुछ पोर्शन जो है ये ऊपर के एटमॉस्फेयर में भी जाता है, ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। देन आफ्टर दैट इज आउटर स्पेस। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट अगेन, एज फार एज UVC इज कंसर्न, UVC जो है ये 50 किलोमीटर से ऊपर जो हमारे ओजोन लेयर है, या नहीं सॉरी 50 किलोमीटर से नीचे के जो ओजोन लेयर वगैरह हैं ये इसको वहाँ पे ऑलमोस्ट 100% तक वहाँ ब्लॉक कर देता है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी, क्योंकि UVC जो है ये लोएस्ट वेवलेंथ का जो रीजन है अप टू 100 to 280 नैनोमीटर, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, ह्यूमन बींग के लिए, इसलिए ये ऊपर ही ब्लॉक हो जाता है। UVB का जो है ऑलमोस्ट 90% पोर्शन जो है ये ऊपर ब्लॉक होता है, सिर्फ 10% तक हमारे तक पहुंच पाता है, और जो UVA का जो है वो 315 to 400 नैनोमीटर तक ये हमारे तक जो है काफ़ी पोर्शन इसका हमारे तक पहुंच पाता है। तो इसके अलग अलग इफेक्ट जो हैं हमारे तीनों ग्रुप्स जो हैं, ये तीनों को जो वेवलेंथ्स के हिसाब से जो UVA UVB एंड UVC इनके अलग इफेक्ट हमारे को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। अगर हम यूवी इसके वार्निंग फैक्टर्स को अगर देखें तो यूवी रेडिएशन ऑफ द नेक्स्ट डे इज कैलकुलेटेड बाय ब्रॉड बैंड कंप्यूटराइज्ड मशीन्स टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन ऑफ नंबर 1 ओजोन लेवल ऑफ द प्रीवियस डे, ओवरहेड क्लाउड कवर जो बादल हैं उसमें क्लाउड जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन एंड अदर जो फैक्टर्स हैं जैसे ओजोन लेयर्स वगैरह कवर करते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं ये उसको प्रभावित करते हैं। सेकंड थर्ड इज एल्टीट्यूड, हाइट फ्रॉम द प्लेस वेयर द रेडिएशन इज बीइंग अफेक्टेड, जिस जगह पर आपको बम्बार्ड हो रहा है रेडिएशन का उस जगह को उसकी हाइट को ज़्यादा हम जो है कंसीडर करते हैं।
एलिवेशन, उसकी सूरज से एलिवेशन हमारे पास कितना है और उसका समय क्या है, टाइम क्या है, टाइम मीन्स सूरज की पोजीशन क्या है, उसके एलिवेशन जो इक्वेटर है उससे डिस्टेंस साल के हिसाब से, जैसे गर्मी है तो हमारा जो डिस्टेंस है सूरज का, हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो कम हो जाता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगले दिन का जो एनवायरमेंटल जो इसका इफेक्ट है, जो हमारी हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट है, उसका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बनाया गया है, वो 1 से 11 तक का पैरामीटर फिक्स किए गए हैं, जिसके प्रभाव अलग अलग आप देखेंगे। यार्ड स्टिक बनाया हुआ है, यार्ड स्टिक में अगर आप 1 और 2 का देखें तो एक घंटे तक आपका सेफ्टी रीजन कहलाता है, इसके बाद जो है आपकी स्किन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। नाउ 3rd, 4th, and 5th रेंज में दैट इज माइल्ड, यू आर इन द माइल्ड डेंजर जोन। 6 और 7 में थोड़ा सा इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, तो प्रोटेक्ट इन सच ए स्टेट योर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड सो दैट योर स्किन इज नॉट बर्न्ड। इसमें एवरेज हाफ एन आवर में आपकी जो स्किन जो है उसके ऊपर आपको बर्निंग का एहसास शुरू हो जाएगा। अगर 6 और 7 का ये जो पैरामीटर हैं, ये एक अगर आप देखें वेबसाइट के ऊपर तो आपको आपके लोकेशन का पैरामीटर इसमें आ जाता है, तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन चीज़ों को देख करके बाहर निकलेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा आपको अपनी सेल्फ डिफेंस कर पाएंगे। और जब आप देखेंगे 10 और 11 का जो है, आप देखेंगे जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई जून के महीने में, तो हमारा इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस हिसाब से हमारा जो है सूरज की जो पेनिट्रेशन है जो किरणों का, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हीट भी सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें अगर आप 10 की 11 की यूवी की रेंज के इंडेक्स में अगर आप होंगे 5 मिनट में आपकी स्किन जो है वो बर्न होनी शुरू हो जाती है। तो अगर देखा जाए, अगर शॉर्ट एनालिसिस किया जाए उसकी स्ट्रेंथ की, इसकी वीकनेसेस की, अपॉर्चुनिटीज़ को देखो और इसकी थ्रेट्स क्या क्या हैं, तो आप बैलेंस को देखेंगे, ये कभी पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा पड़ते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स इसके ज़्यादा कम पड़ते हैं, और कभी इसके पॉजिटिव कम होते हैं तो नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। तो इट मीन्स वी हैव टू टेक ए वेरी बैलेंस्ड अप्रोच टू टेक प्रिकॉशन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड लिमिट्स ऑफ द रेडिएशन एक्सपोजर। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा पहले हम देखते हैं हमें फ़ायदे क्या हैं इस चीज़ के, क्या बेनिफिशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। द सन इज़ वेरी वेरी असेंशियल टू अवर लाइफ, नंबर वन, इट इज़ द प्राइम फैक्टर। एक्सपोजर टू लाइट, सन फॉर 5 to 25 minutes ट्वाइस पर वीक इज़ वेरी असेंशियल फॉर मल्टीफेसेटेड बेनिफिट्स इन अवर लाइफ। एक जो अमेरिकन विटामिन डी परिषद जो है, उन्होंने एक इसके अध्ययन के आधार के ऊपर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि साल के सूरज की स्थिति के हिसाब से वेरिएशन तो टाइम होता ही है, अगर 5 मिनट से लेकर के 25 मिनट तक हफ्ते में 2 दिन अगर हम सूर्य स्नान सुबह के टाइम 10-11 बजे के आसपास, जिस समय इंटेंसिटी बहुत कम होती है, उस समय अगर हम करते हैं तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस चीज़ से। इसमें देखें, सबसे पहले तो आपका मूड बड़ी जल्दी इम्प्रूव होता है, आपको ठंड लग रही है या कुछ है तो आपको वैसा है, तो आपका शरीर में अगर सुस्ती हो तो आप बड़ी जल्दी इससे एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ ही देर आपको जब सनलाइट आपकी मिलती है। नंबर टू, इट ट्रिगर्स विटामिन डी। इस संस्था के हिसाब से जो रिसर्च के अध्ययन किए गए हैं, अगर हम स्पेसिफाइड टाइम के हिसाब से हम धूप का स्नान सुबह के टाइम इतने समय के लिए कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट कैल्सिफेरॉल, जिसको हम मोटे शब्दों में विटामिन डी दैट इज C24H44O3 है, वो हमारी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती है। इससे हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट, जिससे हमारे शरीर की हड्डियों को पूरी मजबूती मिले, हमारे दांतों को पूरी मजबूती मिले, हमारे को किसी किस्म का रोग कम हो, जिससे हमारे शरीर में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म बैलेंसिंग बना रहे, इन सब चीज़ों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कैल्सिफेरॉल की हमारे उसी समय के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। वो अलग है
कि अगर इसमें पूरी ना हो तो मेडिकली हमारे पास और भी इसके दूसरे साधन हैं जिससे हम इस कमी को पूरी कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्शन है बॉडी में वो विटामिन डी का इसी निर्धारित सीमा के अंदर वो पूरा हो जाता है। दूसरा, इट हेल्प्स रिड्यूसिंग पोर्ट वाइन स्टेन्स। बच्चों के बर्थ के बाद उसके चेहरे के ऊपर कभी लाल रंग के ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं जिसको आप पोर्ट वाइन स्टेन्स के नाम से बुलाते हैं। वो ऐसे हैं कि जैसे किसी ने रेड कलर की वाइन इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल कर दिया हो, और ये इनडेफिशेंसी के कारण होते हैं विटामिन डी की। और ये ग्रेजुअली जो है बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है आंखों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, और जब ज़्यादा प्रभाव हो जाता है तो आंखों से ज्योति भी इसकी चली जाती है, दिखाई देना भी बंद कर देते हैं। तो इसमें जो है एक इसके 3-4 सेटिंग्स होती हैं जो इसमें इसको यूवीसी की जो रेज हैं इसके ऊपर दी जाती हैं, उससे बिल्कुल जो है इसकी कमी पूरी हो जाती है और बिल्कुल बच्चे जो है ठीक हो जाते हैं। इट मीन्स ये कई तरीके हैं, जैसे हमारा जर्मिसाइडल इससे सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। स्टेरलाइजेशन है, डिसइंफेक्शन हमारे बॉडी में किसी किस्म के उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है, जख्म वगैरह हैं, फोड़े वगैरह हैं, इनके लिए अगर आप थोड़ी देर धूप में बैठते हैं मेडिकली इट इज रिकमेंडेड फॉर ए टाइम पीरियड कि इसके दौरान आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, एक्टिवनेस आती है, इरिटेबिलिटी इससे कम हो जाती है, भूख बढ़ जाती है, स्लीपनेस इम्प्रूव होती है, नर्वस सिस्टम इससे हमारा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो है इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं, लाइफ हमारी इसी के ऊपर है, प्रोवाइडेड इसकी जो रिकमेंडेड डोज हैं उसको हम क्रॉस ना करें। इट मीन्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम सन, अगर देखी जाए तो सन इज वेरी वेरी असेंशियल टू लाइफ, इट प्लेस वेरी बट प्ले सेफ, मस्ट एक्सपोज टू इट सेफली, रिपीटेड एंड एक्सेसिव एक्सपोजर टू द सन यूवी रेज इट कैन डैमेज द स्किन। अगर हम ज्यादा उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो उससे हमारी स्किन को डैमेज पहुंचता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है, और उसके कारण हमारी नज़र के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, अलग अलग किस्म से उसके नज़र के हमारे प्रभाव जो हैं वो मैं आगे अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर का इसमें जो है और ज़्यादा भय बढ़ जाता है। जैसे कि इसमें आप अगर एडवांटेज देखें तो हमारे जो स्किन लेयर्स जो है सबसे ऊपर वाली लेयर है वो भी इट इज़ एज थिकनेस एज ऑफ पेपर्स विथ, उस लेयर के अंदर भी 5 किस्म के जो है और लेयर्स होती हैं, सब लेयर्स होती हैं, और इसके जो पोर साइज है इतना ज़्यादा कम होता है। पोर साइज जो हमारा चेहरा है, चेहरे के ऊपर ही हमारे जो है 20,000 से ऊपर छिद्र होते हैं, जिसका एवरेज जो साइज है वो तकरीबन 30 नैनोमीटर के आसपास का होता है, 30 माइक्रोमीटर के आसपास का होता है। और जो हमारे को जो डस्ट होती है जिसका पोर साइज जो है इवन माइक्रोमीटर्स में होता है, नैनोमीटर्स में होता है, वो इमीडिएटली इसमें एंटर कर जाते हैं, जो कि अंदर जा करके जो सीबम जो है जिसमें कि फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं उसके साथ मिलकर के वो ब्लॉक कर देते हैं उस पोर को। और नीचे आप देखें कि स्टेप 1 में, स्टेप 2 में एंड स्टेप 3 में, स्टेप 3 में जो ऊपर से टोटल ब्लॉक हो गया, एक छोटा सा फिंसी के रूप में स्वेलन पोर साइज में पोर जो है वो बंद हो गया है, और उसमें क्या है हल्की हल्की जो है ये स्वेलिंग आ गई चेहरे के ऊपर, और वो पोर जो है एक इरप्शन से टाइप में हो गया। ये धीरे धीरे क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। इन्फ्लेमेशन से क्या होगा, कभी या तो अगर अंदर जा करके ये डिपॉजिट ऐसा ही रहेगा और ये फैलता जाएगा, कुछ स्टेज के बाद ये इरिटेशन क्रिएट करेगा, अगर इसको कोई नहीं हुआ तो ये रिएक्शन करके एक अपना अलग ही रूप ले सकता है, जो कि आगे जा करके अगर इसको टाइमली यूवी रेडिएशन का एक 3-4 सेटिंग्स के साथ इसका ट्रीटमेंट दे दिया जाता है तो इस ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इट मीन्स इट इज़ ए बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एक्नेस डेवलपमेंट। अगर एक्नेस हमको टाइमली एक्नेस का ट्रीटमेंट करना है तो ये चेहरा जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जो है ये इसी के ट्रीटमेंट से, रेडिएशन से बिल्कुल ठीक हो जाता है। इफ ए नोट,
और नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एक्ने कैन बिकम परमानेंट स्कार्स ऑन द फेस और योर बॉडी और ऑन योर बॉडी। अगर स्किन के स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो एपिडर्मिस, उससे नीचे लेयर जो आती है वो दैट इज नोन एज डर्मिस, और सबसे नीचे वाली जो है हाइपोडर्मिस। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसमें इसके छोटे छोटे पांच और इसकी लेयर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोमीटर्स में इसकी जो है विड्थ होती है, और ये जो है इसी से ही स्किन का कलर, जैसे हम धूप में ज़्यादा देर के लिए अपने आप को रिटेन करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कलरेशन का जो है वो इसी के ऊपर से पड़ता है। नीचे डर्मिस में हेयर फॉलिकल्स के जो ग्लैंड्स हैं या ये सारे इसी में ही इसकी जड़ें होती हैं। जो पसीने के जो हैं ये पसीने के ग्लैंड्स जो हैं वो तकरीबन आप ये देख लें कि ये हाइपोडर्मिस में कवर होते हैं। फैट्स का जो टोटल डिपॉजिट है वो इसी में ही है। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है ये ब्लड वेसल्स में ही सारे कवर होते हुए ये हमारी स्किन का एक रूप ले लेते हैं। और इसकी तीनों की अगर देखा जाए तो विड्थ जो है वो बॉडी के अलग अलग स्थान पर अलग अलग इनकी विड्थ हो जाती है। जैसे हमारा फेस है, फेस के ऊपर ये तीनों की लेयर मिला करके देखी जाए तो सबसे कम होगी, और जो हमारी टमीज है एंड थाइस जो है इसमें सबसे ज़्यादा मोटापी ये लेयर जो है ये सबसे ज़्यादा अधिक होगी। तो इसके ऊपर अब हम दोबारा अगर इसका देखें प्रभाव देखें तो यूवी सी जो है वो तो हमारे तक वैसे ही नहीं पहुंच पाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइन्यूटली अगर जो हमारे पास पहुंच भी जाती है तो वो अपर लेयर तक ही सीमित रहती है, वो हमारी स्किन के जो एपिडर्मिस है उसके तक ही सीमित रह पाती है। यूवी बी जो दूसरा है वो जो है 320 नैनोमीटर्स तक जो है वो हाइपोडर्मिस तक भी ना एपिडर्मिस तक जाती है, और सबसे नीचे वाली लेयर तक जो है जो हाइपोडर्मिस तक भी हमारा जो है वो यूवीए रेडिएशन जो है वो हमारा कहीं टच कर जाता है। तो इट मीन्स हमारी स्किन जो है वो जो यूवी रेज जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी स्किन को इसी द्वारा होती है, और इसके लिए हमको अलग अलग प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं ताकि इसका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़े। कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जो कि हमारी जो सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर जो है एपिडर्मिस लेयर के ऊपर अगर हम लगा देते हैं तो उस क्रीम का इफेक्ट इतना होता है कि यूवी बी एंड यूवी ए वो उसके ऊपर आती है तो 95% लेवल तक जो है वो उससे रिफ्लेक्ट होकर के चले जाती है। वो हमारी स्किन को वो एक तरीके से सनस्क्रीन का काम करती है, और वो सनस्क्रीन जो है हमारे को रेडिएशन के प्रभाव से बचा देती है। ये एक रिसर्च द्वारा देखा गया है कि अगर कोई प्रॉपरली सनस्क्रीन का रेगुलर यूज़ करता है तो उसका इफेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हमारी स्किन के ऊपर कम पड़ता है, बशर्ते कि अगर हम बिल्कुल कोई भी इस्तेमाल सनस्क्रीन ना करें और उसको जो है ऐसे ही छोड़ दें और हमारा एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा देर तक रहे। अब इसमें देखें इसकी चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होता है जो यूवी रेज हमारी जो पड़ती हैं स्किन के ऊपर, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन के बाद कुछ तो वैसे ही हो, उसके बाद रिफ्रैक्शन भी है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, और पेनिट्रेशन भी होता है। लेकिन जब हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, सनस्क्रीन का यूवी ए एंड यूवी बी का, ये दोनों का ऊपर से ही रिफ्लेक्शन हो जाता है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है। मैंने थोड़ा सा देखो हाइपोडर्मिस के ऊपर हाउ इट इज प्लेइंग हैवॉक। यूवी बी जो है ये मेलानिन सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है एपिडर्मिस के ऊपर। एपिडर्मिस भी जो है मेलानिन, इसी में ही हमारे फैट्स डिपॉजिट होते हैं जो कि टोकोफिरॉल जिसको हम मोटे शब्दों में विटामिन ई भी कहते हैं, ये एक रिच
रिच फैट, इसमें रिच फैट होता है और जो कि इमीडिएटली इफेक्ट करता है, और ये इफेक्ट इतना ज़्यादा प्रभावकारी होता है कि ये टिश्यू की जो इलास्टिसिटी है वो प्रभावित करने के बाद इसमें इतना ज़्यादा संकुचन का जो है, जो बढ़ने का और कम होने का जो है जो गुण होता है वो बड़ी जल्दी कम होता है, और जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर एपिडर्मिस के कारण, एंडर्मिस के कारण ये झुर्रियाँ क्रिएट हो जाती हैं। यूवीए का जो रेडिएशन है वो डर्मिस तक की स्टेज तक पहुंच जाता है, और अगर इनका पेनिट्रेशनल इफेक्ट आप लेते हैं तो यूवीए का जो जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है दैट इज अफेक्टिंग, उसकी लॉन्गेस्ट मीन्स 300 to 400 nanometers तक की जिसकी है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डर्मिस तक लेके जाती है, और उसकी यूवीबी जो है वो एपिडर्मिस तक होता है, एंड यूवीसी का जो है ये एब्जॉर्ब करने के बाद रिफ्लेक्ट और प्रीडोमिनेंटली इन दी स्ट्रैटम पोरिएटम एंड इन दी अपर लेयर ऑफ दी एपिडर्मिस। सो इफेक्ट क्या है इसका, जो नेचुरल टैन इससे होता है, जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हमको करती है वो 320 to 400 nanometer तक की जो हमारी वेवलेंथ का जो यूवीए रेंज जिसको हम कहते हैं उससे नेचुरल टैनिंग ज़्यादा होती है, और यूवी जो बी है ये दिस प्रोड्यूसेस न्यू पिगमेंट्स फॉर्मेशन, पिगमेंट जैसे मैंने एक्ने वगैरह का भी अभी जिक्र किया है, एंड सनबर्न, विटामिन डी सिंथेसिस होता है इसी से ही, इससे सिंथेसिस होगा, और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द स्किन कैंसर, इसी से स्किन कैंसर्स का जो फॉर्मेशन, मैंने एक्ने का भी अभी जिक्र किया है। अच्छा, बट यूवीसी दैट डज नॉट रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो यूजली डज नॉट इफेक्ट, एंड इफेक्ट्स वेरी वेरी पार्शियली। हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्किन एंड योर सेल्फ, टेक मेटिकुलस केयर ड्यूरिंग 11 AM to 3 PM when intensity is very high. Stay away in shades as much as possible. क्योंकि जो 11 बजे से 3 बजे तक जो है ये सबसे ज़्यादा प्रकोप धूप का जो है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है गर्मियों के दिनों में। तो आपने देखा है कि गर्मियों में सूरज जो है 8 बजे ही आपको तपश अपनी देनी शुरू कर देता है, लेकिन इस 11 बजे से लेकर के दैट इज ए डेंजर जोन, सो वन शुड टेक एवरी प्रिकॉशन टू एब्स्टेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, अदरवाइज द लॉसेस वुड बी मच मोर। वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपनी जो है अपने आप को अच्छे तरीके से, जो आपके बॉडी का पोर्शन एक्सपोज ज्यादा है जैसे फेस है, फेस को आपने स्पेशल केयर लेनी है। अच्छा, एंड फॉर वोवन टाइटली नेटेड क्लोथिंग पहननी है आपने, कवर योर हेड विद वाइड ब्रिम्ड हैट 98%, अगर आप टॉप जो बड़े हुए को पहुंचते पहनते हैं 98% से आपकी प्रोटेक्शन होती है। वियर सनग्लासेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर आई, कैन नॉट बी अवॉइडेड बट कैन नॉट बी अवॉइडेड द एक्सपोजर, देन यूज SPF 15 or 30, दिस प्रोटेक्ट्स योर बॉडी स्किन विच इज एक्सपोज डायरेक्टली टू द एक्सटेंट ऑफ 97%, एंड रिपीट आफ्टर 2 hours। मैंने 15 का मतलब SPF 15, स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर 15 का मतलब ये है कि अगर आप यूज करते हैं, इसका जो डोज होती है रिकमेंडेड है दैट इज 2 microgram per square centimeter, इसके हिसाब से ये यूज की जाती है। तो अगर आप यूज करते हैं 15 का तो इसका मतलब ये है कि एक 10 into 15, इट मीन्स 150 minutes के लिए आपकी प्रोटेक्शन जो है यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी से प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स आप इसके बाद फिर से आप इसको अप्लाई करें, यूज करें इसको। अच्छा, अब आप देखें इसका प्रभाव कैसे है। इट इज ए मेजर ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द यूवीआर। इफ एसपीएफ 15 मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सन फॉर 15 into 10 150 minutes विद स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ 2 microgram per centimeter, बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम सन शेड्स वियरिंग लॉन्ग ब्रिम हैट
गॉगल पहनो, अर्जेंट केसेस में सनस्क्रीन मे बी रिपीटेड आफ्टर एवरी 2 आवर्स. बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, मोर सेंसिटिव स्किन टू ऑल एलर्जिक, हेंस सन एक्सपोजर बिलो द 6 मंथ नीड्स मोर प्रिकॉशंस. चिल्ड्रन अबव 6 मंथ्स कैन बी अप्लाइड द सनस्क्रीन प्रिफरेबली पॉपा फ्री. बींग दिस इनग्रेडियंट मे कॉज मोर स्किन एलर्जी इफेक्ट्स. तो आप ये देखें कि इसका मैंने अलग अलग जो प्रभाव दिया है. अब आप देखें, एक जेंटलमैन ड्राइवर है, ड्राइवर ही इज ड्राइविंग हिज व्हीकल सिटिंग विद ऑन ए विंडो डायरेक्टली एक्सपोज टू सन, हिज लेफ्ट चीक इज अफेक्टेड बाई द डायरेक्ट सन एक्सपोजर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू. सिमिलरली द हैंड एंड अंडर फुट इट इज हैविंग द डिफरेंट इफेक्ट. SPF 50 तक का भी उसी तरीके से मल्टीपल उसके इफेक्ट्स होते हैं. और ये आप देखें, जो लेडी है, लेडी का फ्री जो कि यूज कर रही है, एक यूज नहीं करती है, ये अल्फा टोकोफेरॉल जो है, जो विटामिन ई है, इसका इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है. डिहाइड्रेशन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो कम हुई, और वो कम होने के बाद उसका इमीडिएटली जो चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आनी स्टार्ट हो गई. जो इसी वजह से क्या होता है, ये जो आप एक लेडी देख रहे हैं, जबकि सेम लेडी है, सेम लेडी का अब कुछ देर के बाद इसकी ये स्थिति बन गई कि इसके चेहरे के ऊपर इतनी झुर्रियाँ ज़्यादा आ गई, इसने स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर को यूज़ नहीं किया, वो क्रीम को यूज़ नहीं किया. तो इट इज़ ए मस्ट फॉर अवर फेस इज मोर ससेप्टिबल कंटेनिंग सीबम इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. नाउ द कंक्लूजन इज द रिस्ट्रिक्टेड एंड स्टैंडर्डाइज डोज ऑफ यूवी रेडिएशन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया कॉजिंग प्रॉब्लम्स लाइक वाउंड्स, प्रेशर सोर्स, अल्सर्स, सर्जिकल इंसिशंस एटसेट्रा. And for repair and creation of tissues, severe diabetes, TB, cardiovascular diseases, etc. On the other hand, it plays havoc for the excessive exposure, like invitation to skin problems, premature aging, and cancer and eye problems a lot. Thank you, sir.